नमस्ते बच्चों, आई जी भी नायशी शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोलॉजी। सो प्रीवियस टॉपिक में वी डिस्कस अबाउट स्विच, जिसमें कई केसेस होते हैं और कई कंडीशंस होती हैं। उनको अगर कंडीशंस फॉल्स या ट्रू होती है तभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या देखेंगे, गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ये अनकंडीशनल जंप करता है। कैसे, मतलब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर आपको किसी स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जंप करना है तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। आप वो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए। जैसे आपने इसका सेंटेंस देखिए, सबसे पहले द सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट इज हियर। सबसे पहले गो टू लेबल, लेबल में जो होगा वो स्टेटमेंट आ जाएगा। अभी आपने देखा था इफ एल्स में क्या हो रही थी, एक्सप्रेशन आ रहे थे, कंडीशन आ रही थी। देन उसके बाद आपने देखा स्विच में क्या आ रहे थे बेटा, केसेस आ रहे थे। अब जो गो टू है उसमें क्या आएंगे बेटा, लेबल आएंगे। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सभी का मतलब कंडीशन ही होता है, सभी में अपन कोई ना कोई कंडीशन रख रहे हैं। ये सभी जो है कंडीशन डिसीजन मेकिंग और कंडीशन के लिए ही हो रहे हैं फॉलो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या आएंगे, लेबल आएंगे। अब देखिए लेबल कैसे आएंगे, यहाँ एक छोटा सा डायग्राम है, इसके थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, हियर लेबल कैन बी एनी प्लेन टेक्स्ट एक्सपेक्ट सी कीवर्ड एंड इट कैन बी सेट एनीवेयर इन द सी प्रोग्राम अबव और बिलो टू गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, कहीं भी आप लेबल दे सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लेबल वन है, स्टेटमेंट वन दिया है। ठीक है, लेबल टू में स्टेटमेंट टू है, लेबल थ्री में स्टेटमेंट थ्री है, और ऊपर आपका प्रोग्राम स्टार्ट है एंड द प्रोग्राम लास्ट है, एंड है। तो यहाँ देखिए गो टू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डायरेक्ट लेबल वन से, मतलब स्टेटमेंट वन से डायरेक्ट जंप कर रहा है स्टेटमेंट थ्री पर। तो ये गो टू लेबल का फायदा होता है, मतलब उसने ना स्टेटमेंट टू को रीड किया, ना उसको एग्जीक्यूट किया, ना उसको देखा, वो डायरेक्ट वन से कहाँ आ गया, सीधा थ्री पे आ गया। क्योंकि वन पे उसको कमांड क्या मिल गई थी, थ्री पे आने की, स्टेटमेंट थ्री पे जंप करने की, तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट थ्री पे जंप कर गया। तो ये होता है बेटा गो टू लेबल। ठीक है, अब देखिए आपने लेवल में कोई ना कोई कंडीशन रखी होगी, उस कंडीशन को देख के ही वो क्या हुआ, स्टेटमेंट थ्री पे जंप कर गया। बट ये अनकंडीशनल होता है, मतलब वो ट्रू हो या फॉल्स हो उसके उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट जंप करना है, मतलब डायरेक्ट जंप करे। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले एज इट इज आपको क्या करना है, हेडर फाइल ऐड करना है, देन फंक्शन ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने लिया है एक इंटीजर लिया है ए, जिसकी वैल्यू है 10। ओके, सो अब लूप क्या करेगा, सबसे पहले लूप और डू, डू वाइल मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में जब भी आपका आएगा। बट अभी देखिए, अभी सिर्फ एग्जांपल को समझिए, इसका प्रैक्टिकल जब मैं कराऊंगी तभी आप करेंगे। ठीक है, सो लूप डू, इफ कंडीशन हमने क्या लगाया, ए इक्वल टू 15 और उसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस 1 एंड देन गो टू लूप लगा दिया हमने। गो टू लूप का मतलब होता है डायरेक्टली कहाँ चल जाएगा, लूप पे चल जाएगा। अब ये लूप पे तब तक जाएगा जब तक इसकी कंडीशन कहाँ तक नहीं आ जाए, वाइल में हमने दूसरी कंडीशन दी हुई है। मतलब डू वाइल एक लूप होते हैं जो लूप चलाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। सो वाइल में हमने क्या दे दिया, जब तक ये प्रिंट करेगा जब तक उसकी वैल्यू जो है 20 से कम ना हो तब तक एक ही वैल्यू को वो प्रिंट करता जाएगा। ओके, लेकिन क्या करेगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1 के फॉर्म में करेगा। सो यहाँ पे देखिए, ए इक्वल टू ए प्लस 1 के फॉर्म में जब हमें आउटपुट मिलेगा तो क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए 10, 11, 12, 13 और कहाँ तक मिलेगी, 19 तक। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लगा होता तो बेटा वैल्यू हमें 20 तक ही मिलती, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए हमें वैल्यू कहाँ तक मिली है, ऑनली 19 तक मिली है। सो ये आपके क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं गो टू स्टेटमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दैट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।